वंदे मातरम दोस्तों, स्वराज कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संघ। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 54 लेके आए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रियर नेक चोक का जो डिफेंस है वो किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जब ये मुझे चोक कर रहा है, अगर इसने मुझे चोक करने की कोशिश की, अगर मैं यहीं पर डिफेंस कर लेता हूँ, यानी अपने हाथ को ले आता हूँ और अपनी गर्दन को बचाने की कोशिश कर लेता हूँ, तो मैं बच पाऊँगा। अगर इसने एक बार चोक कंप्लीट ले लिया और मेरा हाथ नहीं पहुंचा, तो फिर मैं यहाँ से इसको नहीं बचा सकता, चाहे फिर कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये चोक नहीं छूटेगा। तो हमें कोशिश चोक के लिए वही करनी होती है कि चोक लगने से पहले ही, क्योंकि अगर चोक लगने के बाद ही छुटा लिया आपने, तो फिर उस चोक का कोई सेंस नहीं है ना, फिर तो वो चोक किसी काम का ही नहीं है। तो इसने जब मुझे चोक लगाने की कोशिश कर रहा है, इसमें हम देखते हैं, तो मैं ये इसी टाइम क्या करना होता है कि अपने इसको, यानी कि इसके जो अटैकर का हैंड है, उसको यहाँ से तुरंत ग्रैब करना होता है, और साथ ही अपनी चिन को, यानी कि ये मेरी चिन है, इसे मुझे अपनी बॉडी यानी चेस्ट की साइड टक करना होगा, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाए और मेरी कैरोटिड आर्टरी और यानी कि जो थ्रॉट का हिस्सा है, ये दबने से बच जाए। यानी क्योंकि मुझे ब्लड सप्लाई को रोकना नहीं है, कंटिन्यू ब्लड सप्लाई चाहिए, तभी मेरा माइंड काम कर पाएगा। अगर ब्लड सप्लाई रुकी तो दिमाग और हाथ कुछ काम नहीं करेंगे और यहाँ से मैं अनकॉन्सियस हो जाऊँगा कुछ देर बाद। तो मैं बताता हूँ तरीका कि जैसे ही आपको लगा कि इसका हाथ चोकिंग पे आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, यहीं से टक किया अपनी गर्दन को इस साइड, यानी कि एक साइड का खोला है, लेकिन एक साइड की हम कैरोटिड आर्टरी को ब्लड सप्लाई के लिए तैयार रखेंगे। और जैसे ही ये चोक के लिए आया, मैंने अपने हाथ को यहाँ से इसके यानी फोर आर्म्स को ग्रैब कर लिया इस तरीके से। और जब ये अपना दूसरा हाथ उसकी तरफ डालेगा, उससे पहले ही मुझे क्या करना है कि अपनी बॉडी को शिफ्ट करना है इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ठीक है, हो सकता है कि आप इसमें गिर भी जाओ, लेकिन आपको चोक नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है, अगर आप अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट करती हो। ये तो इसमें क्या होगा कि आप इस हाथ को और आसानी से ग्रैब कर पाओगे और यहाँ से इजीली निकाल सकते हो अपने हाथ को, यानी कि शोल्डर को उठाते हुए। ये देखो, आपने इसके शोल्डर को कंट्रोल किया है यहाँ पे, और इसकी यानी कि ये जो एल्बो है इसको भी कंट्रोल किया है। तो फिर से देखो एक बार, बिल्कुल आराम से समझो कि जैसे ही इसने मुझे चोक करने की कोशिश की, मैंने यहाँ पे टक किया चिन को और इसके यानी फोर आर्म्स को ग्रैब कर लिया दोनों हाथों से, जिससे कि गले पे दबाव ना जाए, और अपने लेग को पीछे शिफ्ट करते हुए गर्दन को निकाला और यहाँ से इसके हाथ को ग्रैब कर लिया। अब ये टोटल मेरे कंट्रोल में है। शिफ्ट करने के बाद मैं इसके फेस पे नी मार सकता हूँ और यहाँ से हैमर फिस्ट स्ट्राइक के थ्रू इसका ये पोर्शन तोड़ सकता हूँ और उसके बाद पुश करके निकल जाऊँगा। बिल्कुल सही समझ में आया आपको, एक बार और देख लो बिल्कुल स्लो में। चोक करने से पहले ही गर्दन को टक कर लेना है और इसको ग्रैब किया। अब भले ही ये इस हाथ को पकड़ ले कम्प्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको निकालो ईजली यहाँ से, कंट्रोल सेफ्ट हेट एंड रन। तो ये तरीका 100% काम करेगा, लेकिन चोक लगने से पहले। चोक लग गया तो कोई परसेंट काम का नहीं है, फिर तो 1-2% चांस है, बच जाओ तो बच जाओ, वरना फिर निकल लोगे सीधे। तो एक नई सीरीज के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।